चीज़ ही कर रही थी। इसे मैंने स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। एंड द शेड्स आर रियली अमेजिंग। द शेड्स आर पिंकिश, रेडिश, every color, I mean related to pink, purple and orange or red. So it has really cool colors. I really love this palette. See the swatches, the pink shades, all pink shades and purple shades are available in this palette. And this is just one swatch. White also available, neon yellow and black, brown shades, and this is the red and orange shade. All are matte. See, slightly different in this, in these shades, slightly, not too much. And metallic shades. Oh, see, these are metallic shades. Just one swatch. Bomb palette, I must say. Lovely. The colors are lovely. Must buy this palette. तो इससे आज जो है हम नया लुक क्रिएट करेंगे और चलते हैं अपने लुक की तरफ। ये बाल तो शायद पीछे जाना नहीं चाहते, फिर से ना गिर जाए कहीं। तो सबसे पहले जो है मैं काशी का प्राइमर लूँगी, आई प्राइमर। ये बहुत ज़बरदस्त आई प्राइमर है और ये शेड नंबर 1 है। पैची नहीं होता और बहुत ही आराम से ब्लेंड हो जाता है, बहुत आराम से लग जाता है और बहुत ज़बरदस्त ही कवरेज है। और जो है मैं अपने ब्लेंडर को, ब्यूटी ब्लेंडर को प्रेप करूँगी, यानी कि उसे प्रेप के उसे वेट करूँगी। किसी भी सेटिंग स्प्रे से आप कर सकते हैं और फिर ब्यूटी ब्लेंडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जिस कंपनी का भी आपको पसंद है। बहरहाल मैं तो ब्यूटीफाई बाय आमना का लेती हूँ, ज़्यादातर ब्यूटी ब्लेंडर वो यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत कम्फर्टेबल हूँ। और उसके बाद जो है हम अपनी आईब्रोज सेट करेंगे। और आईब्रोज जो है मैंने रिवाज 2-in-1 पेंसिल से सेट की है अपनी आईब्रो। पहले मैं उसे शेप दूंगी, उसके बाद मैं एसेंस का आईब्रो जेल लगाऊंगी डार्क ब्राउन में। इसमें फाइबर भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी आईब्रोज को फिल भी कर देते हैं, अगर कहीं से गैप है या कहीं से आईब्रो आपकी कम है तो ये जो हैं और आपकी आईब्रो को एक, यानी कि सेटिंग स्प्रे का काम करते हैं, आईब्रो आपकी सेट कर देते हैं। अब जो है मैं जैकलिन हिल की पैलेट वॉल्यूम 2 में से फीलिंग माई सेल्फ कलर लूँगी। और वो आप किसी भी ब्रश से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वो ले लें। और उससे मैं अपने क्रीज पे जो है ये कलर रख रही हूँ, थोड़ा सा फॉरवर्डिंग में है ये, तो इसलिए लग रहा है जैसे कि मैं जल्दी 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 जो है कलर प्लेस कर रही हूँ, यानी कि क्रीज पे अपनी। और ये मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड लिया है। अब मैं उसको किसी भी ब्रश से, आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश से उसे, अब मैं इसको साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें पिंक कलर लगा हुआ था। तो किसी ब्लेंडिंग ब्रश से आप इसको आराम से ब्लेंड कर लें और कोशिश करें कि आपका ब्रश क्लीन हो बिल्कुल, उसमें कोई भी कलर ना लगा हुआ हो। जैसे कि मेरे ब्रश पे अभी पिंक लगा हुआ था तो मैंने उसको साफ़ कर। उसके बाद जो है मैं कलर लूँगी लेमी माई बेस्ट कलर का नाम है ये। और जो है वो मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगाऊँगी, थोड़ा सा डार्क कलर है पहले वाले कलर से ये, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी दोनों कलर्स को, ट्रांजिशन शेड को आपस में। और फिर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी यही कलर लगाऊंगी। और जो है मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ इससे। मैंने कहा अभी कर लो, ज़रूरी थोड़ी है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें। उसके बाद मैं काशी का आई प्राइमर लूँगी और उससे मैं अपनी क्रीज बनाऊँगी, यानी कि कट क्रीज करूँगी और अपनी पूरी क्रीज पे। तो फेवरेट हो गया है क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, इस पर इसका ब्रश भी बहुत स्मूथ है कि मुझे अलग से कोई ब्रश लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी ब्रश से जो है मैं कट क्रीज कर लूँगी इजीली। और ये देखिए मैंने अपनी पूरी लिड को कट कर लिया है इजीली से, ये बिगनर्स भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये देखें बहुत सुकून से। उसके बाद जैकलिन हिल की पैलेट से मैं, यानी कि जो वॉल्यूम 2 पैलेट है उसमें से मैं इमिनेट कलर लूँगी और उससे जो है अपनी कट क्रीज को सेट करूँगी। वाइट शिमर टाइप सा ये कलर है। उसके बाद मैं अपनी टेयर डक को, नो जोक, जैकलिन हिल की पैलेट से लूँगी और टेयर डक को सेट करूँगी, यानी कि ये न्योन येलोइश सा कलर है। उसके बाद मैं ब्लैक कलर लूँगी जिसका नाम है टेम्परिस, और उससे मैं अपने आउटर कॉर्नर को सेट कर रही हूँ, यानी कि आउटर कॉर्नर बना रही हूँ और अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन,
फिर जो है मैं NYX का ग्लेटर ग्लू लूँगी और उसको अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। थोड़ा सा लेके आपको उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे हमने कट क्रीज की थी, क्योंकि वहाँ पे जो है इसके बाद हम शिमर लगाएंगे। और शिमर जो है मैं लूँगी क्रिस्टीन का कॉपर में 157, जो कि ऑरेंजिश और कॉपर टाइप है, यानी कि थोड़ा सा ऑरेंज लगता है और थोड़ा सा कॉपर, तो मुझे बहुत पसंद है ये कलर। आप कोई सा भी ले सकते हैं इसकी जगह। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं ब्रश लूँगी, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वो ब्रश लीजिए और उससे जो है आप ये कलर लगा लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होता है लेकिन बहुत ही शाइनिंग होती है इसमें और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से आप सेट कर लें, यानी कि जहाँ जहाँ तक कट क्रीज की है वहाँ तक हमें ये लगाना है, और इतनी आसानी से लग जाता है, ये गिरता भी नहीं है ज़रा सा भी। उसके बाद मैं काशी का जो आई शेडो प्राइमर है उससे मैं लाइनर लगा रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लाइनर लगाते हैं किसी भी लाइनर ब्रश से, आप उससे लाइनर लगा सकते हैं, यानी कि उस ब्रश से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है जी, बहुत आसानी से लग रहा है। इसके बाद जो है मैं ग्लैमरस की परमानेंट लिपस्टिक लूँगी, जो कि रेड शेड है और शेड नंबर 8 है, और इसको जो है आप लाइनर ब्रश, जो पतला सा लाइनर ब्रश होता है, उससे मैं जहाँ मैंने ये लगाया था प्राइमर उसके ऊपर जो है मैं ये लाइनर लगाऊंगी, यानी कि ये लिपस्टिक उस पर लगाऊंगी। आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हैं जो भी परमानेंट आपके पास मौजूद हो, ऑरेंज है तो आप ऑरेंज से भी लगा सकती हैं। देखिए मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैं दूसरी आँख का भी इसी तरह सेट करूँगी। उसके बाद मैं काशी का वाइट लाइनर लूँगी, ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ लाइनर है, और किसी भी आप पतले से ब्रश से जिससे आप लाइनर लगाते हैं वो लेकर उसको मैं अपनी टीयर डक से लाइन शुरू करूँगी और अपनी क्रीज को पूरा कवर करूँगी, यानी कि जहाँ पे मैंने ग्लिटर को एंड किया था क्रीज पे। उसके बाद हम इस लाइन को बाहर की तरफ निकाल देंगे, आउटर कॉर्नर, यानी कि जो आउटर कॉर्नर है आई का, और दूसरी आईज भी मैं इसी तरह सेट कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा। अब मैं काशी का वाइट लाइनर अपनी वाटर लाइन पर लगाऊँगी, यानी कि आईज़ के अंदर, और ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। उसके बाद जो है अपनी ब्राउ बोन पे मैं इमिनेट जो जैकलिन हिल की पैलेट में कलर है, शिमर सा वाइट शिमर सा, वो लगाऊंगी। उसके बाद मैं लैशेस लगाऊंगी किसी भी कंपनी के, और ये काशी की ग्लू है, इसमें वॉन्ड भी है, यानी कि आराम से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी, आप कोई सा ही मस्कारा लगा दें, वैसे ये मेरा फेवरेट है एसेंस का मस्कारा वॉल्यूम हीरो, वाटरप्रूफ मस्कारा है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है। तो ये जी हो गई है मेरी आईज़ कंप्लीट। उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन O2O की, और शेड नंबर है ये 04, और ये बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उससे पहले जो है आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा फेस पे, अदरवाइज नो नीड। वैसे इस गर्मी में जो है ना ड्राई स्किन भी मेरे ख्याल से ऑयली हो जाती होगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही कि बंदा भी पिघल जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे मिल गया है, और फिर जो है मैंने इसको वेट किया और फिर अपनी फाउंडेशन को सेट किया। उसके बाद जो है मैंने पाउडर यूज़ कर रही हूँ, डर्मा कलर का फिक्सिंग पाउडर, और ये है P4, और इसको मैं ब्रश से सेट करूँगी। तो ये पाउडर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और अपनी नेक को मत भूलिएगा, जैसे कि मैं भूल जाती हूँ हमेशा, और मैं आपसे कहती हूँ नेक मत भूला करें, नेक भी आपकी अपनी होती है। ठीक है जी, और इस वक्त उसके बाद जो है मैं O2O का ही ब्लश 3-in-1 पैलेट लूँगी, जो कि 01 शेड है, कंटोरिंग पैलेट है, और इसमें से मैं ब्राउन कलर जो कि कंटोरिंग एज अ कंटोरिंग में यूज़ करूँगी। आप कंटोरिंग के लिए छोटा ब्रश भी ले सकते हैं, मैंने काहली दिखाई और बड़े ब्रश से जो है नोज़ को भी यानी कि कंटोर कर लिया। आप लोग मत कीजिएगा ऐसी काहली दिखाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं लूँगी अनस्तासिया बेवरली हिल की पैलेट लूँगी, और ये मेरी फेवरेट पैलेट है फॉर द ब्लश। इसका जो पिंक ब्लश है ये मेरा फेवरेट है, यानी जब भी मैं बाहर जाती हूँ ये ब्लश लगाती हूँ, ये मुझे शाइनिंग भी देता है। उसके बाद मैं फेंटी ब्यूटी का मूनलाइट हाइलाइटर लूँगी, और इससे जो है मैं अपने हाई पॉइंट्स को जो है प्रोमिनेंट करूँगी, और ये बहुत ज़बरदस्त